अभी हम लोग रहमतपुरा मोहल्ले में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं जो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। चाचा, नाम क्या आपका? अब्दुल गफ्फार, हाजी अब्दुल गफ्फार। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं इस मोहल्ले? 30 साल से रह रहे हैं। तो 30 साल पहले ये मोहल्ला बसना शुरू हुआ है। आज यहाँ पे लगभग कई सौ घर हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। हाँ, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ लोगों के सामने? नाली का है, सीवर का है, पानी नहीं है, कहने के लिए नाली नहीं है, खाना नहीं घर में है, इधर उधर जाते हैं। सबसे ज्यादा यही तकलीफ, बत्ती तो खैर आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत औसन की लाइन किनारे वही है। तो यहाँ पर कितने घर होंगे इस रहमतपुरा मोहल्ले में, घर कितने होंगे? अरे 100 से ज्यादा 115 करीब। अच्छा, तो 30 साल में आपने कम से कम 5-6 बार तो वोट डाला ही होगा असेंबली के लिए, और हर बार नेता आते हैं यहाँ पर, वादा करते हैं। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या सोचते हैं? क्या आप लोग मायूस हो चुके हैं, वोट नहीं डालेंगे, या वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे, लेकिन देख के डालेंगे। जो हमारा काम उम्मीद होगा आप करिएगा, हमको तसल्ली होगी तो आप वोट देंगे। ये उत्तरी सीट है, वाराणसी नॉर्थ में आता है ये। कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है कि आपका आपका काम करेगा, किस पर भरोसा आपका बन रहा है? अभी तो कोई भरोसा नहीं, सबको वादे ही करके चले गए हैं। भरोसा ही किया हुआ है, भरोसा ही सब कुछ है। चलिए, अच्छा, शुक्रिया।